को सामूहिक रूप से भी हमने चिंता व्यक्त भी की थी और भविष्य में घटना न घटे इसके लिए भी कार्य योजना बनाने की योजना बनाई थी। उसी दिन मैंने इस विषय पर सभी नेताओं के साथ विचार विमर्श किया था और कैसे हम संसद की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं उसके लिए हमारे सभी दलों के नेताओं ने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे और मेरी कोशिश है कि उन कुछ सुझावों में से कुछ में अमल हुआ है, कुछ में आपके साथ बैठकर और हम अमल करेंगे और इस घटना की एक उच्च स्तरीय जाँच हो इसकी भी हमने योजना बनाई और उसकी जांच कमेटी बनाई और उसकी जांच शुरू हो गई है। पार्लियामेंट स्तर पर भी इसके लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई है जो संसद परिसर में सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेगी और किस तरीके से हम संसद की सुरक्षा को बेहतर कर सकते हैं इसके लिए आप सबके सुझावों पर एक ठोस कार्य योजना भी बनाएंगे ताकि हम भविष्य में किसी भी घटना का कोई घटना न घटे उसके लिए हमारी सुरक्षा व्यवस्था व्यापक हो और सबके सहयोग से हो। आप सभी भलीभांति अवगत है कि हमारे सदन में पूर्व में भी ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी है। सदन के अंदर आगंतुक और पिस्तल लाने वाली, नारेबाजी वाली और दर्शक में कूदने वाली, पर्चे फेंकने वाली घटनाएं पूर्व में भी हुई थी, लेकिन उन सब घटनाओं पर भी माननीय सदस्यों ने विशेष रूप से सामूहिकता से काम किया था। इस सदन में स्प्रे फेंकने जैसी घटना भी हुई, लेकिन हम सब ने ऐसी घटनाओं के विरोध में एक स्वर में एक साथ मिलकर दृढ़ संकल्प लिया था। आप सभी भलीभांति परिचित हैं कि संसद की सुरक्षा का क्षेत्राधिकार संसद सचिवालय के अंतर्गत आता है, इसलिए सुरक्षा के विषय में जो भी कार्य योजना बनाएगी वह संसद बनाएगी, आपसे विचार विमर्श करके बनाएंगे और ठोस कार्य योजना बनाएंगे। पूर्व में भी ऐसी जब घटना घटी थी जब तत्कालीन अध्यक्षों ने ही उस पर संज्ञान लिया था और उस घटना पर कार्रवाई की थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इस घटनाओं को लेकर कुछ राजनीति कर रहे हैं, ये किसी भी तरह की राजनीति करने वाली घटनाएं नहीं है और इस घटना से कभी भी निलंबन जो माननीय सदस्यों है उस घटना से संबंध भी नहीं है। ये घटना अलग है और निलंबन का संबंध केवल संसद की गरिमा बनी रहे, उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, ये सबकी हमारी जिम्मेदारी है। मुझे दुख है, मैं कभी किसी माननीय सदस्य का निलंबन नहीं करना चाहता। मुझे बहुत व्यक्तिगत पीड़ा भी होती है कि जो मेरे माननीय सदस्य हैं उनका निलंबन करूं, लेकिन संसद की मर्यादा बनाए रखना, संसद की गरिमा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी, विशेष रूप से आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है और इसलिए संसद की परंपराओं परपाटियों का श्रेष्ठ पालन हो। और जब नई संसद बनी थी तो हमने बैठकर सब दलों के नेताओं से चर्चा भी की थी कि हम तख्ती लेकर नहीं आएंगे, सदन की उच्च कोटि की गरिमा मर्यादाओं को बनाए रखेंगे और किसी तरीके से हंगामा नहीं करेंगे। देश की जनता भी ऐसे आचरण को कतई पसंद नहीं करती है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि हम सब इस अपेक्षा के साथ कि ऐसी घटना न घटे और सदन के अंदर भी गरिमा बनी रहे, मर्यादा बनी रहे, ये हम सब की जिम्मेदारी है और इसीलिए भविष्य में सदन की गरिमा सर्वोपरि है। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में मेरा सदैव ये प्रयास रहा है कि सदन में सार्थक चर्चा हो, सकारात्मक चर्चा हो, सहमति असहमति हमारी लोकतंत्र की विशेषता है, लेकिन असहमति सकारात्मक हो और विरोध भी हो तो हम अपने शब्दों के अंदर विचारधारा के आधार पर विरोध करें। तख्तियाँ, नारेबाजी करना, बेल में आकर आसन के नज़दीक आना, ये सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है और देश की जनता भी इसको पसंद नहीं करती। इसलिए हम सब देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और व्यापक चर्चा संवाद के साथ देश की जनता का कल्याण कर सके, अंतिम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकें, इसके लिए मैं आपका सहयोग चाहता हूं। मैं चाहता हूं इस सदन में जो इसकी गरिमा रही है
बड़ी बड़ी घटनाओं पर सार्थक चर्चा हुई, संवाद हुआ है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, राष्ट्र के हित में अपने कर्तव्य निभाने के लिए निष्ठा रूप से मुझे सहयोग करेंगे। पूर्व में भी आपका सहयोग मिला है, आप सहयोग करेंगे, सकारात्मक चर्चा करें, वाद विवाद करें। सदन आपका है, सदन में सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन ये तथ्य लेकर आना ये उचित नहीं है और देश की जनता भी इसको पसंद नहीं करती। मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप सब सदन का सहयोग करेंगे, प्रश्नकाल को चलने देंगे, प्रश्नकाल के बाद आप कोई विषय हो तो मुझसे चर्चा करें, मैं आपकी हर समस्याओं का समाधान का रास्ता निकालूंगा। माननीय सदस्य, ये सदन आपका है। पूर्व में भी जब कभी सदन में घटनाएं घटी है तो ये क्षेत्राधिकार संसद सचिवालय का आता है। मैंने पूर्व में भी कहा था, अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि सदन में सभी माननीय सदस्यों की सुरक्षा बनी रहे और इसके लिए आपसे बैठ कर ही समीक्षा करेंगे। जो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है और व्यापक इंतजाम करेंगे, जहां सरकार का सहयोग लेना हुआ सरकार का सहयोग भी लेंगे, लेकिन क्षेत्र अधिकार हमेशा संसद का रहना चाहिए। आप भी इस मत के होंगे और इसलिए जो कुछ भी जिम्मेदारी है वो मेरी है, संसद सचिवालय की है। आपके हर चिंता का समाधान हम निकालेंगे। माननीय सदस्य, प्लीज आसन पे विराजे हैं, मैं आपकी चिंताओं को समझता हूं, लेकिन ये चिंता सबकी है। जोशी जी बोलना चाहते हैं। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि राजस्थान के नागौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा की अपनी सदस्यता त्याग पत्र दे दिया है। मैंने 15 दिसंबर 2023 से उनके त्याग पत्र को स्वीकार कर लिया है। आप बोलना चाहते हैं जोशी जी? सर, मैं इतना ही बोलना चाहता हूं सर, तो जो बीएससी में निर्णय हुआ था सर्वसम्मति से स्वीकृति हुआ था कि सदन में हम प्ले कार्ड्स नहीं लाएंगे, इसमें तो आपने जब निवेदन किया कोई भी इसका विरोध नहीं किया, सबने सर्वसम्मति से सभी पार्टियां स्वीकृति दिया था कि हम तटिया प्ले कार्ड अंदर नहीं लाएंगे, इसलिए मैं निवेदन करता हूं। प्रैक्टिकली सर, ये सेशन जो चल रहा है ये 17th लोकसभा का अंतिम सेशन है, जो बाद में होता है वोट एन अकाउंट पर होता है, इसलिए चर्चा करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बिल भी है, वो भी कुछ विषय उठाते तो हम सबके चर्चा के लिए तैयार है सर। तो इस तरीके से हंगामा खड़ा करना, जब आप इतनी बार बार निवेदन कर रहे हैं, आपने सब MPs को लेटर लिखा है, जो कुछ भी प्रेसिडेंट आप उल्लेख करते हुए लेटर लिखा है, इसलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ ये जो प्लेकार्ड लाए हैं इसको विथड्रॉ करके, क्योंकि महत्वपूर्ण चर्चा है, चर्चा के लिए है सदन, इसलिए हम सदन में चर्चा चलाना चाहते हैं, प्रश्नकाल चलाना चाहते हैं। और प्रैक्टिकली मैंने फिर से दोहराना चाहता हूँ, प्रैक्टिकली दिस इज द लास्ट सेशन, तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ, ये जो निर्णय हुआ था आपके समक्ष तो हम तटिया नहीं लाएंगे, उसको स्वीकृति दिया है, इसको पालन करते हुए सदन चलाने के, कृपया आप बड़े मन करके सदन चलाइए, यही मेरा प्रार्थना है। डॉक्टर अमर सिंह जी, माननीय मंत्री जी, अमर सिंह जी, क्वेश्चन नंबर 202, श्री एस मुनुस्वामी, माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य।